हो जाओ, ये भूत है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, हमें एक दूसरे को सहना सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्कूल में ज़ोंबीज भी रहते हैं। ये कैसे काम करेगा? क्योंकि उनके पास खास ब्रेसलेट्स हैं जो ज़ोंबीज को नियंत्रित रखते हैं। देखो, और इन ब्रेसलेट्स के साथ ये नियंत्रित रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो फिर तुम सब क्यों डर रहे थे? बस मजाक कर रहे थे। पर हम ज़ोंबी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहते, और वो तो गंदे मुर्दे हैं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, उनके लिए क्लास में सीट अलग से रहेगी। तो चलो दोस्तों, फिर हम क्लास में चलते हैं। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़ोंबी जोन जैसा गीला तो नहीं है। सही है ना? ये भूत है, मान लो ज़ोंबीज नहीं होते। मुझे उन ज़ोंबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नए वाले बाल के प्रोडक्ट से कुछ नहीं हुआ, मेरे बाल तो अभी भी पतले हैं। अरे यार, हे, बाल चाहिए तुम्हें? मेरे पास हैं। कितना गंदा है, दूर हो जाओ मुझसे। अरे चिंता मत करो, वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैं उन डरावने ज़ोंबी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम अपनी क्लास के साइड रहेंगे। अरे वाह यार, यहाँ से बोर्ड दिखाई नहीं देता। उनको बोलो कि इसे ऊपर कर दें ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे। ये पागलपन है। अब दिख रहा है? अरे वाह, मस्त दिख रहा है। ये ज़ोंबीज थोड़े स्मार्ट हैं। अरे आज का शेड्यूल क्या है? तू मुझसे तभी बात करती है जब तुझे कुछ चाहिए होता है, लेकिन हे, ध्यान से। ओह, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, मगर हर कोई ऐसा ही तो करता ना। ये तो एक ज़ोंबी है, उसने गलती से मदद की है, उसका दिमाग सड़ रहा है, वो तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन चलो चलते हैं, ज़ोंबी से बात करना बेकार है बिल्कुल। शुक्रिया। बेकार? मेरी ज़ोंबी पावर वापस आ गई। लगता है मेरा ब्रेसलेट खराब हो गया है। हो सकता है ये ग्लिच की वजह से एलिस को बचा लिया होगा मैंने, क्योंकि ब्रेसलेट ऐसा हो रहा था। अरे ज़ोंबी, मेरा मतलब ईवा, रुक जाओ। मुझे मत छूना, मेरे साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं हेल्पलेस हूँ। मैं तुम्हें छूने वाली नहीं थी, ये बीच में कहाँ से लाई? क्योंकि तुम इंसान नफरत करते हो ज़ोंबी से। हाँ ठीक है, पर मैं तुझे पर्सनली नहीं जानती, मैं शुक्रिया करना चाहती थी। क्या सच में? ओह हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं डर गई थी क्योंकि तू ज़ोंबी है, लेकिन मैं गलत थी। चलो दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे लिए ये आम बात है। ज़ोंबी के साथ घूमने में मजा आता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। लो आ गए हम ज़ोंबी ज़ोन पर, आगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करने के लिए लैम्बी फैंस के पीछे रखा है, ये बहुत अनफेयर है। हाँ दुख होता है, कम से कम ब्रेसलेट के साथ स्कूल जाने देते हैं हमें। मैं वैसे ये जानना चाहती थी, वो बुरा और डरावना है क्या? देखना है, अगर कोई इंसान विश्वास करे। बोलो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ठीक है तो चलो फिर हमारी ज़ोंबी दुनिया। मैनफोल्ड, तुझे सर से खेलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? सॉरी यार। ओप्स, एक सर। चिंता मत करो, ये हमारे दोस्त का सर है। ये ईवा, यहाँ एक इंसान क्यों है? वो आमतौर पर हमारे जोन में नहीं आते। हाँ देखो ये एलिस है, और ये अंदर भी आ गई पर डरी नहीं। हाँ? हाँ, अच्छा हाँ। ये लो पॉपकॉर्न खाओ।
अरे तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें कॉकरोच वाले पॉपकॉर्न पसंद नहीं। अरे यार, कीड़े खतरनाक नहीं होते। पर सीरियसली हाँ, वो मेरी हथेली को कितना अच्छा गुदगुदाते हैं। यहाँ इतना मजा आता है। मैंने सोचा था ज़ोंबी ज़ोन डरावना और बोरिंग होगा। हम नॉर्मल हैं और मजा करना चाहते हैं, पर अफसोस हमें जानवरों की तरह बंद कर दिया है। लगता है ये लोग असल में तुम्हें नहीं जानते। चलो फिर ठीक है, एक और चक्कर लगाते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। वहाँ मुझे ज़ोंबी के बारे में इतना कम पता था। तुम इतने स्ट्रॉन्ग, फनी और फास्ट हो। हाँ। और याद है कैसे स्किलफुली तुमने मुझे बचाया? वो तो कमाल का था। मैं सच बताऊँ एलिस, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। हाँ। मतलब वो पल याद है? हे, ध्यान से। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैंने ज़ोंबी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वाओ, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं? अब नहीं, इन ब्रेसलेट्स की वजह से हम अपनी ज़ोंबी पावर खो देते हैं। लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया अगर ब्रेसलेट तुम्हारी सुपर एबिलिटीज को ब्लॉक करता है? एक ग्लिच था, इसीलिए ब्रेसलेट बंद था, इसीलिए तुम्हें बचा पाई। ब्रेसलेट बंद हो चुका था और मैंने सुपर पावर का इस्तेमाल किया था। वाओ, तो इसका मतलब ब्रेसलेट बंद होने से तुम सुपर स्ट्रॉन्ग और एजाइल बन सकती हो? हाँ, लेकिन मैं खुद इसे बंद नहीं कर सकती, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। असल में इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ, शायद मैं तुम्हारी ब्रेसलेट रिकॉन्फिगर कर सकूँ। अरे वाह, करते हैं, क्लास में चलते हैं, इसे हैक करते हैं। कितना अच्छा है कि तुम अपना हाथ ऐसे ही अलग कर सकती हो। हाँ, मैं तो अक्सर इसे पीठ खुजाने के लिए करती हूँ। और बस हो गया। लगता है अब कोई मेरी ताकत नहीं रोक सकता है। शानदार। ओह एलिस, तुम तो बहुत कूल हो। ओह, इतने जोर से नहीं। माफ करना, ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ है। अब इसे बंद कर देते हैं, बस स्क्रीन टैप करो। ओह शुक्रिया, दोबारा करूंगी। इधर आओ। देखो हमें ये कहाँ डाल दिया है। हाँ, लगता है हम वापस जोन में हैं। कम से कम उन्होंने हमें ज़ॉम्बी खाना तो दिया है। हाँ। ओह दिमाग, उन्होंने ज़ॉम्बी के लिए तो ठीक मेन्यू सोचा है। मेरे 100 बक्स काउंटर के नीचे गिर गए, अब मैं उन्हें कैसे निकालूं? क्या मैं मदद करूं? मैं काउंटर हिला देती हूं। ओ तेरी, वाह, तुम्हारा शुक्रिया लड़की। ओ, तुम ज़ॉम्बी हो लेकिन फिर भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। वाओ, ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ इन एक्शन। वाह, ये ज़ॉम्बीज़ तो असल में काम के हो सकते हैं। हाँ, मिस सिंडी तो खुद काउंटर को हिला नहीं पाती है। हाँ, अब अगर कुछ भारी चीज हिलानी होगी मुझे तो जरूर युवा से पूछूंगा। ये ज़ॉम्बी लोग वर्कआउट क्यों करते हैं? हाँ, इन्हें जिम क्लास में क्यों ले जाते हैं? उनकी अपनी स्पोर्ट है, हम अपने दिमाग का एक्सरसाइज करते हैं। और तुम इंसान अपने सिर को अलग करके फुटबॉल तक नहीं खेल सकते। हेलो, ये मुझे दे दो। अरे वाह, तुम लोग तो सच में स्टेट चैंपियन बन सकते हो। हाँ, और तुम एक कूल ज़ॉम्बी हो, बाकी हो जैसे नहीं। तुम क्या कह रहे हो, वो एक ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बीज खतरनाक होते हैं। वैसे इवा मुझे पसंद है, वो सबकी मदद करती है और काफी कूल ट्रिक्स भी जानती है। बिल्कुल सही। इवा बहुत पॉपुलर हो रही है, क्या बकवास है। वाओ, ये क्या है? इंसान फैन की चिट्ठी, फूल भी है। चिट्ठी, किसी ने फूल भेजे हैं, लगता है ये बहुत टेस्टी होंगे। हाँ। वाह, एकदम ताजे हैं, बढ़िया। थू थू थू, समझ नहीं आता फूल क्यों दिए,
जब ये खा ही नहीं सकती हूँ। इंसान ऐसा ही होता है। छोड़ो, रहने देती हूँ। इन इंसानों ने तो हमारे लिए अलग लॉन्च बना दिया है। हाँ, हमें अलग करने के लिए। ईवा तो उनके साथ क्यों घूमती है? इंसान हमसे नफरत करते हैं। वैसे उन्हें ईवा से प्यार है, अब उसके बहुत सारे फैंस हैं। मैं नहीं मानता कि वो सच में ईवा से प्यार करते हैं। इंसानों से सिर्फ बुराई की उम्मीद करनी चाहिए। ये देखो, ये जॉम्बी के लिए एक अलग जोन है। हाँ, कितना प्यारा। क्या प्यारा है? प्यारा तो तब होता जब मेरी प्लेट में मकड़ी होती, ना कि मेरी लाउंज में। ईवा, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम यहाँ एक इंसान को क्यों लाई हो? पर गाइस, एलिस बहुत अच्छी है। अच्छा इंसान कोई नहीं होता। लेकिन तुम मुझे तो जानते ही नहीं, और तुम कितने सुंदर हो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, तुम्हारे बालों में जो मकड़ी है वो तुम्हें खास चार्म देती है। अरे वाह, पहली बार किसी इंसान ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। गाइस, ये ठीक नहीं है कि तुम रूम में बैठे हो और अपने क्लासमेट्स के साथ सोशलाइज नहीं होते। तो तू ही बता क्या करें। इंसानों के साथ दोस्ती करके देखो, ईवा की वजह से ज़ॉम्बीज को बेहतर ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगी। चलो इंसान से स्पेशलाइज होते हैं। चलो इंसान से सोशलाइज होते हैं। ज़ॉम्बी जरूर इंसानों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वो बहुत मजेदार होते हैं। Hey girls, मैंने कमाल का जादू करने की नई वाली ट्रिक सीखी है, देखना चाहती हो क्या? ज़ॉम्बीज को भी जादू ट्रिक्स आती हैं। तुमने जरूर कुछ सुपर कूल सीखा होगा। इंसानी लड़कियां मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं देती है। ठीक है ज़ॉम्बी, ये देखो, ये देखो उंगली गायब। पता नहीं था इंसान उंगली गायब करने वाले एक्ट्स कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। ये तो भयानक है। असल में उंगली गायब ही नहीं हुई थी। तुम्हें यकीन आ गया था क्या? अरे हाँ, मेरे दिमाग को लगता है कि तुम लोग बहुत मस्त जादूगर हो। सच में ज़ॉम्बीज काफी कूल है, स्पेशल ईवा। क्या बकवास है, जाओ ताजा हवा ले आओ। अरे तुम समझी नहीं, मैं तो ईवा के पहले से ही फैन हूँ क्योंकि वो सुपरस्टार है। मेरे दिमाग का दही मत करो, चलो एक ज़ॉम्बी फैन क्लब शुरू करते हैं। ईवा थैंक यू सो मच, मैं अकेले इन प्लांट्स को मूव करने में स्ट्रगल कर रही थी। कोई बात नहीं मिसेस क्रिस्टी, मुझे तो पसीना भी नहीं आया। हाँ, वैसे तो ज़ॉम्बीज को पसीना भी नहीं आता ना। बिल्कुल। मिट्टी, स्कूल में नंगे पैर चलना। ये क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे बस कीचड़ याद आ रहा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। देखो मेरे पौधों के साथ ऐसा मजाक मत करो, इसे वापस रख दो वरना वो मुरझा जाएंगे। क्या मैं उन्हें फर्टिलाइजर दूं? ठीक है, एक ट्राई करके देखो। वाह, लो ज़ॉम्बी तो मैजिक है फर्टिलाइजर्स के लिए, आराम से हो गया। ये हुई ना बात। शुक्रिया ईवा, तुम तो यहाँ की टॉप ज़ॉम्बी हो। ईवा, तुम मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो? ज़ॉम्बी जोन में एक असली ज़ॉम्बी पार्टी है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाओ, चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। कुछ ज़ॉम्बी ट्यून्स लगाओ। वाओ, क्या मैं डांस फ्लोर पर कुछ रेगुलर ह्यूमन मूव कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ तुम जो मर्जी करो, बस मजे करना। यार मैं तो हाँफ गई। बहुत मजा आने वाला है।
लो, यहाँ तो गर्मी नहीं लग रही ना। ये जगह कौन सी है? यहाँ ज़ोंबी बच्चे तो नहीं आते? नहीं, ये तो एडल्ट ज़ोंबी टॉयज हैं। क्या ये टॉय डॉग्स हैं? हाँ, ज़ोंबी पालतू जानवर नहीं रख सकते। क्यों नहीं? क्योंकि तुम इंसान सोचते हो हम उनका दिमाग खा जाएंगे। मुझे नफरत है जो इंसान ऐसा सोचते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बहुत चाहते हैं कि वो भी एक पपी रखें और इसीलिए हम इन टॉयज को रखते हैं। क्यों रेक्स, एलिस को हाय कहो। रौ, रौ, रौ। अच्छा बच्चा है ये। इंसान सच में ज़ोंबीज के साथ अनफेयर ट्रीट करते हैं। तुमने हमें बराबर का समझा। ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉकडाउन लागू हो चुका है। अगर कोई भी ज़ोंबीज बाहर पाया गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलो हमें इस समय इस जगह से जल्दी निकलना होगा। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ फंस जाओ। लेकिन तुम वापस कैसे आओगी? हमें बात सड़क पर नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। सही है, चलो मेरे घर, तुम वहाँ रह सकती हो। जोन से भागना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। ये एक्चुअली सुपर रिस्की है। हाँ, हम लोग डेफिनेटली रूल तोड़ने के लिए पकड़े जाएंगे। ये तो दिन हो गया पर इंसान हमें ढूंढने नहीं आएंगे। तुम जीनियस हो। रुको ज़ोंबीज़। सब जगह लॉकडाउन लगा देखकर तुम लोग जोन से भाग रहे हो। ओह कम ऑन, हम इंसान हैं। हाँ बस हम सैर पे निकले हैं। अगर तुम इंसान हो तो तुम इतने पीले क्यों हो? मेरा भाई बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे ताज़ा हवा की जरूरत है, उसे एनीमिया हो गया है। ओहो बेचारा सच में बीमार लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों को इस वक्त जोन के आसपास नहीं होना चाहिए था, ये खतरनाक है। हाँ हाँ हम जानते हैं वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, ज़ोंबी। सॉरी मेरा भाई प्रैंकस्टर है, असली एक्टर। ये क्या है, दिमाग? नहीं ये एक बीमारी है, इंसानी ब्रेन लीक। इसमें दिमाग नाक से बाहर निकल सकता है। चलो अच्छा है तुम चल फिर पा रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो करीब था। बस ये देखो मेरे माँ बाप को पता ना चले। समझ गई, माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा एक ज़ोंबी को घर पे लेकर आए हो, है ना? सच है पर मैं तुम्हें ऐसे लटका नहीं सकती। चलो तुम ऊपर की बंक पे रहो, मैं यहाँ क्रैश कर लूंगी। सॉरी ये इंसानों का अजीब सा बेड लग रहा है मुझे। ओह ये क्या है? ओह ये तो बस मिट्टी है, मेरे कपड़ों पे लगी थी। हम आम तौर पे जमीन में दफन होके सोते हैं। तो तुम्हारे पास बेड्स नहीं हैं? पर मैं तुम्हें कमरे में ऐसे तो दफन नहीं कर सकती। अच्छा तुम्हारे पास खुद का गार्डन है, कैसा रहेगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, अपने लिए खड्डा खोदूँ, वहाँ सो जाऊँ, फिर हम सुबह साथ चलेंगे। मुझे मंजूर है अगर तुम्हें वहाँ नींद आती है तो। थैंक यू दोस्त, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, कल सुबह मिलते हैं एलिस। हाँ स्वीट ड्रीम्स। वाह ये ऑकवर्ड था, एक ज़ोंबी को इंसान के बेड पर सुलाने की कोशिश करना। जैसे भी मुझे अभी नींद की जरूरत है। मदद करो, हमारे गार्डन में एक ज़ोंबी है, वो जमीन से बाहर आ रहा है। अरे नहीं वो हमारा माली होगा, पक्का उसने इवा को नहीं देखा होगा। इस मेस को जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। खुदा का वास्ता है मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहाँ पर एक ज़ोंबी है जो कि जमीन से बाहर आ रहा है। ओह माय गॉड हमें कॉप्स को बुलाना पड़ेगा। मॉम कम ऑन, मैंने अपनी विंडो से देखा था, बस हवा से पत्ते उड़ रहे थे। इसे ऐसा लगा होगा जैसे कोई जमीन से उठा हो। पागल हो गई है, मुझे पता है कि पत्ते और ज़ोंबी अलग होते हैं। देखो धूप तेज है, तुम थके हुए हो, शायद कुछ गलत देख रहे हो, तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, वैसे ही मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा। क्या सच में यहाँ ज़ोंबीज़ कैसे आ सकते हैं? रात में तो वो जगह जालियों से बंद होती है। ज़ोंबीज़ पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे इस पे रोक लगानी होगी। मदद करो।
कुछ इडियट ने मेरा बैग टॉयलेट में डाल दिया। तुम्हें यकीन है हम देख लेंगे? वाह, हम इससे कंचे खेल सकते हैं। उधर चलो चलते हैं। वहाँ मेरा बैग है। हम जल्दी इसे ले आएंगे। ये तो कोई बैग नहीं है, ये तो स्वीट लाइट्स आउट को अंधेरा पसंद है। छी, तुम लोग बदबू मार रहे हो। नहीं, सब बढ़िया है। ज़ॉम्बीज़ को स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं। हाँ, पर इंसानों को नहीं। तुम लोग यहीं पे बैठो ताकि कोई तुम्हें देखे ना। ये लो तुम ज़ॉम्बीज। लगता है दरवाजा बंद हो गया है। ओ, ये तो अटक गया है। मैं अभी मिसेस क्रिस्टी को बुला के लाती हूँ। इन गधों के लिए लाइट्स भी ऑफ कर दूंगी। स्वीट लाइट्स आउट, ज़ॉम्बीज को अंधेरा पसंद है। परफेक्ट, हम रिलैक्स करेंगे जब तक तुम मिसेस क्रिस्टी को ढूंढ नहीं लेते। ये शापित ज़ॉम्बीज, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम मम्मी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि गार्डनर पागल हो रहा था। मैं उस पॉपुलर ज़ॉम्बी ईवा से तंग आ गई हूँ। देखती हूँ शायद उसे परेशान करने का कोई तरीका मिल जाए। हाँ, मैं बहुत जल्दी गार्डन से भाग गई थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे देखा होगा। तो फिर हैक्ड ब्रेसलेट ठीक से काम कर रहा है। तुम जब चाहे ज़ॉम्बी मोड ऑन कर सकती हो। हाँ, तुम्हारा हैक प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। तुम अपने लैपटॉप के साथ बिल्कुल विज़र्ड हो। ओह अच्छा, एलिस ने जरूर उस ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को हैक किया है। अब मैं ये करूँगी कि कोई और ज़ॉम्बीज के साथ दोस्ती ना करे। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किसी कॉकटेल के लिए। पसंद आया? मैंने देखा है तुम लोग मेरे साथ कम समय बिता रहे हो आजकल। मिया तो पूरा ज़ॉम्बी ईवा के साथ लगी हुई है। ईवा काफी कूल है, पर मैं तुम्हारे साथ अभी भी फ्रैंक नहीं हुई हूँ। हाँ, कोई भी पुराने दोस्त को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो चलो ना, पुराने दिनों की तरह एलिस पे प्रैंक करते हैं। वैसे भी वो हमारे क्रू का हिस्सा कभी नहीं रही। बिल्कुल, एलिस को लगता है वो ज्यादा ही कूल है। फ्रेंडशिप करना चाहती है, लगता है ईवा का अटेंशन पाना चाहती है वो। ऑलराइट लेडीज, मुझे एलिस का लैपटॉप स्वाइप करने में मदद करो। जब वो उसे स्कूल भर में ढूंढ रही होगी तो हम हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ये एक प्लान है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है बहुत मजा आ जाएगा। सर, डील है। हे एलिस, आज रात का क्या प्लान है? आज रात का अभी तक नहीं पता। क्यों? ग्रिन के यहाँ आ जाओ तुम, पार्टी कर रहे हैं हम। सीरियसली, तुम लोग मेरे जैसे के लिए बहुत ही कूल पार्टीज करते हो। ओह कम ऑन, तुम ईवा के साथ कूल करती हो, इसीलिए तो कूल हो तुम। ऑल राइट, थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। एक्चुअली तुम सही हो, हम तुम्हारे लिए ज्यादा ही कूल हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम मत आना तो फिर। ये सब क्या था? वैसे भी मूड नहीं था। दिखाओ एलिस ने ब्रेसलेट को हैक करने के लिए किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। मैं ईवा के ब्रेसलेट को चेंज कर दूंगी और वो एक अग्रेसिव मॉन्स्टर बन जाएगी। फिर सब ज़ॉम्बी से नफरत करेंगे और उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। ज़ॉम्बी नेल्स, यह हमारे ज़ोन का सबसे हॉट गेम है। कूल, क्या ये गेम वापस थोड़ी आने वाला है? पता नहीं, पर लगता है किसी भी हालत में कूल गेम है। मैं तो पहले एक ज़ॉम्बी चैनल प्रैंक करने का सपना देख रही हूँ। ये एक ग्रेट आइडिया है। हाँ, अब मेरा टर्न है। मुझे नहीं पता, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं सपने देख के आती हूँ। हे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ?
ईवा ठीक है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। हाँ, हमें हमारे दोस्त की मदद करनी होगी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। खा जा। ये क्या सीन है यार, लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है। ईवा क्या तुम ठीक हो? मैं खाऊंगी, मैं खा जाऊंगी। अरे यार मुझे डर लग रहा है। अरे वो तो पागल हो रही है। प्रिंसिपल और कॉप्स को बुलाओ, ज़ॉम्बीज़ खतरनाक है, हमें उन्हें रोकना होगा। सबको वार्न करना होगा, इन ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करना होगा। चलो प्रिंसिपल को ढूंढते हैं। उसके साथ क्या हो रहा है? चलो आगे बढ़ो, इससे खतरा है, हमें छुप जाना चाहिए कहीं अभी। दरवाजा खोलो जल्दी। ज़ॉम्बी बचो, भागो, तुम लोग खतरा हो। हमें तुम्हें एक दीवार के पीछे बंद करने की जरूरत है। क्या क्या सीन है गाइस? हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। क्या हो गया है? मैंने सुना ज़ॉम्बीज पागल हो गए हैं। ईवा ने हम पे हमला किया, उसका किसी को खाने का मन है। नहीं मिस क्रिस्टी, ये जरूर कोई गलती होगी। चलो इन्हें अलग करते हैं, हमें उनसे डर लगता है। ठीक है, हमें उस पागल ईवा को पकड़ना होगा और इन दूसरे ज़ॉम्बीज को अटैक में बंद करना होगा जब तक कि पुलिस नहीं आती है। ये तो पागलपन है, हमने ब्रेसलेट्स पहने हैं, हम इनसे अग्रेसिव नहीं हो सकते जब तक हमने ये ब्रेसलेट पहने हुए हैं। अभी तुम लोग चुप रहो और मेरे पीछे चलो, तुम लोग बंद रहोगे जब तक तुम लोग समझते नहीं। और हमें उस पागल ईवा को पकड़ के उसे कॉप्स के हवाले करना चाहिए। चलो यार्ड में अलग हो जाते हैं और छुप जाते हैं। चलो मैं क्या करूं? मैं उनके पीछे जाती हूं और ईवा की मदद करने की कोशिश करती हूं। अगर वो ब्रेसलेट की वजह से परेशान है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे एक ब्रिलियंट प्लान मिल गया, ये लड़के ईवा को कच्चा चबा जाएंगे बस थोड़ा और वो उसे पकड़ लेंगे और स्कूल से निकाल देंगे। तुम्हें खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, मुझे पता नहीं था वो मेरे पीछे आ जाएगी। बचाओ, वो ब्रेसलेट की वजह से पागल हो गई है, उस ब्रेसलेट को ठीक करो इससे पहले ये मुझे खा जाए। कैसी, रुक जाओ, हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? हमें ब्रेसलेट को ठीक करना होगा, मैंने उसे रीप्रोग्राम किया था ताकि ईवा पागल हो जाए। क्या? तो तूने मेरा लैपटॉप चुरा लिया, तो चोर है। हाँ मैं, एलिस प्लीज ब्रेसलेट को ठीक कर दो, मुझे नहीं पता था वो मुझे खाने की कोशिश करेगी। तो ईवा इसकी जिम्मेदार नहीं है? मेरे फोन में प्रोग्राम का बैकअप है, मैं अभी ठीक करूँगी। चलो हो गया। हाँ ये क्या, मेरे साथ क्या चल रहा है? हाँ ईवा सब ठीक है अब। ब्रेसलेट ठीक हो गया है, अब तुम लोगों पर कोई हमला नहीं करोगी। तुम तो एक पागल हो कैसी, अगर ईवा की वजह से किसी को चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ हाँ, तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए और उन फैंस को पीछे रखा जाना चाहिए। क्या, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मजाक करने में और नुकसान करने के बीच में बहुत पतला सा फर्क होता है। हम प्रिंसिपल क्रिस्टी को सब कुछ बताएंगे। क्या मैंने किसी पे हमला किया? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस विच कैसी का कारनामा है। चलो ईवा। हाँ चलो, हमें माफ कर दो, हमें कैसी का प्लान पता करने में काफी टाइम लग गया। हे, मुझे नीचे उतारो। वहीं रहो जब तक कि पुलिस तुम्हें नीचे उतार कर नहीं ले आती, वो लोग अभी रास्ते में है। तो स्कूल में ये चर्चा है कि केसी ने ही ईवा को फंसाया है। बेचारी ईवा को लोगों से तकलीफ हो रही है, इस बार में बहुत बुरा लग रहा है। लगता है ज़ॉम्बीज असली मॉन्स्टर नहीं होते, कभी कभी इंसान भी गिरे हुए होते हैं। ओ दोस्तों सब अच्छा है, तुम सब ने मेरा ख्याल रखा। ईवा प्लीज हमें माफ कर दो, हमें ज़ॉम्बी के साथ कुछ करना चाहिए। चलो ईवा को ना हम क्वीन बनाते हैं, हमारे स्कूल में एक ज़ॉम्बी क्वीन बनेगी। क्या हम सच में कर सकते हैं? तुम पहली होगी। हाँ हम साबित करेंगे इंसान और ज़ॉम्बीज बराबर है। ईवा हमारी क्वीन है। इसे क्या होने जा रहा है? मिस क्रिस्टी आपको क्रिस और एरियल को अभी छोड़ देना चाहिए और केसी का सामना करना चाहिए, उसी ने हम सबको डेंजर में डाल दिया था। ज़ॉम्बी इन सब का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं सभी ज़ॉम्बीज को छोड़ दूंगी, अब क्या मुझे इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी? और हम चाहते हैं कि हम ज़ॉम्बीज के साथ पढ़ाई करें क्लासरूम में बिना किसी बंटवारे के। इसने भी तो सही कहा, हम नुकसान न पड़ेंगे।
से एलिस के बगल में बैठूंगी, क्योंकि हम लोग बेस्टी हैं। सबने सुन लिया, मेरी बेस्टी एक ज़ॉम्बी है और मैं इसमें फक्र महसूस करती हूँ। चलो सब मिलकर पार्टी करते हैं। मुझे भी ज़ॉम्बी जैसा मूव करना है। आखिरकार सबको पता चल गया कि ज़ॉम्बीज भी इंसानों जैसे अच्छे होते हैं। हाँ, या इसका मतलब ये है कि मैं कुत्ता ले सकते हैं, हमें मिल सकता है। पर पहले इम्पोर्टेंट चीजें तो सुलझाएं। हम सोचते हैं ज़ॉम्बीज को जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, हम ज़ॉम्बी राइट्स के लिए लड़ेंगे ताकि वो पेट्स रख सके हमेशा के लिए। हाँ, ज़ॉम्बीज को पपीज पसंद है। और हम ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को मॉडिफाई करेंगे ताकि सुपर पावर का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ज़ॉम्बी पावर रॉक्स हैं और ईवा ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। और हम देखेंगे कि हमारे शहर के सब ज़ॉम्बी इंसानों के दोस्त बन रहे हैं। चलो नफरत को मिटाते हैं। हमने आप सबको कितना मिस किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बिल्कुल। और क्या तुम्हें हमारे ऑसम आउटफिट्स पसंद आए हैं? हाँ। और आए हैं तो हमें लाइक करना मत भूलना। और मेरी आंखें डरा रही थी, दांत चुप गए थे, वीडियो में तो बहुत खुले हुए थे। मेरे कैसे थे? एनीवेज, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। हाँ, और हमने कुछ सिंपल लुक भी ट्राई किया है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी ज़ॉम्बी की वीडियो सही है। तो आज का वीडियो तो पूरा मस्त था। अंत में ज़ॉम्बीज और आम लोग सब दोस्त बन गए और इतना प्यारा एंड हुआ। सच मुझे बहुत पसंद आया, मुस्कुराना तो बनता था। हमने एक्चुअली ज़ॉम्बीज को उनकी लुक्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि अंदर से वो हमारी तरह ही बिल्कुल नॉर्मल है। इनके सुपर पावर्स और उन सब की वजह से। हाँ? अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, मैन। उनसे बात करके उन्हें जाने। सुपर पावर्स फिर से शुरू करते हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज के साथ ये स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, और वो क्या कहते हैं, वो भारी सामान उठा भी सकते हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या वो बैनर था? नहीं, कोई और चीज थी। हाँ, वो क्या कहलाता है? हाँ, स्टैंड। स्टैंड, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। सुपर स्कोर्स। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ज़ॉम्बीज का अंडरग्राउंड सोना कितना फैसिनेटिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, मुझे उन्हें खाते हुए देखकर बहुत हैरत हुई। वैसे क्या तुम्हें भी हैरत हुई? हाँ। और वो छोटे छोटे कीड़े जो हाथों को टिकल करते हैं, हंसी आती है, क्यूट है ना? और वो इतने मस्तीखोर और लाइवली हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ज़ॉम्बी की, कि ज़ॉम्बी अपनी आँखों को बाहर निकाल सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी। याद है वीडियो में वो हिस्सा जहाँ मैंने पहली बार अपनी उंगली बाहर खींची थी और क्रिस की आंखें बाहर निकली थी? लेकिन ज़ॉम्बीज को भी स्किल्स होती हैं। हाँ, सच में हमने सब देख लिया। हाँ, आज तो मैंने सच कहूँ तो कैमरे पे पूरा ही हाथ खींच लिया है, सच कह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। जब तक तुम लोग बात कर रहे थे उसी बीच मैंने कुशन में ये बना ली है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं हमारे नए चैलेंज के बारे में और ये कैसे होंगी। तो इस चैलेंज के नियम है, क्रेजी घर के आसपास का कोई गाना ढूंढो और हमारे किसी भी वीडियो पे आप उसे मैशअप करो तुम्हारी पसंद का। बिल्कुल सच में, बस इस ट्रैक में कुछ भी रिकॉर्ड करके देखो। तुम प्रो एक्टर हो या ना हो, इसमें कोई भी रूल नहीं है पर्टिकुलर इस काम के लिए। #TimTimSong। और कुछ देर बाद हम उनमें से एकदम बेस्ट वाला चुनेंगे और उसको हमारे शॉर्ट्स के चैनल पे दिखाएंगे। ओह अच्छा, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमें रिजल्ट से चूक ना जाओ।
सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कहा, अच्छे से समझ और दिया। इसी तरह दोस्तों हमें देखते रहो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही हमारे साथ मस्ती करो। आप हमें इसी तरह प्यार करते रहो, हम आपके लिए बहुत मस्ती मस्ती वाले प्रोग्राम लाएंगे। ये शो आपसे ही है, तो आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। अरे नहीं, एक्चुअली जब मैंने किया, डॉक्टर ने रेकमेंड पुलिस, वो सारे ज़ॉम्बीज। तो चलो, और हमने साबित कर दिया, खैर इवा ने वापस दो, मुझे मेरा हाथ वापस दो, मैंने कह दिया। हेलो, आराम से है। हाँ, लेकिन मेरी माँ, हाँ, मैं जानती हूँ। ओह, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ, ये नई चीज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, मुझे क्यों दो। तो क्या तुम दोनों तेल लगा के चालू? नहीं, मैं नहीं कर सकती सच में। तुम लोगों को क्या हुआ? हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा।